देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल फ्रिक्शन का। सबसे पहले अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में मैंने ये बोला कि ये बॉडी स्लाइड कर रही है, ये बॉडी स्लाइड कर रही है, यानी कि आगे जा रही है, आगे जा रही है, स्लाइड कर रही है, तो इस केस में ये क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे क्वेश्चन में आपको म्यू की सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन होती है, ना स्टैटिक ना काइनेटिक। वो क्वेश्चन में सीधा बोलेगा म्यू इज 0.5 और बॉडी का वेट है 15 kg, तो कहेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो क्या होगी। सबसे पहले क्या चेक करना होता है, बॉडी चलेगी या बॉडी नहीं चलेगी? इसमें चेक करें नहीं, क्योंकि मैं खुद आपको कह रहा हूं कि बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड। चेक क्या करना है, वो तो स्लाइड कर रही है। ऐसे क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि बॉडी चल रही है, तो बात ही खत्म। तो अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट ये म्यू स्टैटिक हो ही नहीं सकता, ये म्यू हमेशा काइनेटिक ही होगा। तो आप भी फ्रिक्शन की फोर्स कैसे निकालेंगे, इसका वेट 15 g है और नॉर्मल रिएक्शन n है जो कि 15 g है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू 15 g, ये वैल्यू होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू कितना, 0.5 इंटू 15 इंटू कितना, 10। बाय डिफॉल्ट ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगी, क्योंकि वो स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक है। पर आपकी बुक्स कभी कभी क्या करती है, वो काइनेटिक लिखती नहीं है, एफ लिख देती है और यहां पर म्यू दे देती है। ये आपको समझना है कि ये काइनेटिक है। और अगर बाय चांस बॉडी चल नहीं रही और वो कह रहा है कि बॉडी किस पे है, एट रेस्ट है, और मैं आपको म्यू दे रहा हूं, यार ये काइनेटिक कभी हो ही नहीं सकता। अगर वो एक म्यू दे रहा है और बॉडी रेस्ट पे है, तो यानी कि वो म्यू क्या होगा, वो स्टैटिक ही होगा, क्योंकि काइनेटिक तो इसमें केस बनेगा ही नहीं। राइट, क्लियर है यहां तक? तो मतलब आप ये ना कहें कि किसी न्यूमेरिकल में एक ही म्यू गिवन है, तो मेरे को अगर एक म्यू गिवन है तो आपको बताएगा कि बॉडी चलेगी या बॉडी नहीं चलेगी, और अगर दो म्यू गिवन है आपको चेक करना पड़ेगा कि बॉडी चलेगी या बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है यहां तक? अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास सपोज एक ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है, ठीक है, और मान लो इस ट्रॉली कि यहां एक मास है, एक मास है, और यहां फ्रिक्शन भी गिवन है, फ्रिक्शन भी गिवन है ऐसे, ठीक है, ये फ्रिक्शन है। अब इमेजिन करो ये ट्रॉली खड़ी है, ये मास चिपका थोड़ा ना हुआ है, तो ऐसे जैसे कॉपी दीवार पे लगा दो, ये रही, तो कॉपी या ये ब्लॉक क्या करेगा, गिर जाएगा, गिरेगा गिरेगा। इसका मास कितना है, 15 g, मान लो इसका मास कितना है, 15 kg। ये क्यों गिरेगा, क्योंकि इसका वेट कहां कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितना कर रहा है, 15 into g, ठीक है, ये गिरेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, वो छोटे बच्चे भी करते हैं, खेलते भी हैं, वो क्या कि आपकी जो जैसे पतंग है, पतंग को क्या करेंगे, वो यहां पे यहां रख लेंगे, अगर वो रुके हुए हैं पतंग नीचे गिर जाएगी, तेज भागते हैं तो यहां पर चिपकी रहेगी, चिपक जाती है। पेन है, कोई कॉपी लेते हैं, गत्ता लेते हैं, तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ये गिरा नहीं, इसमें मेरा गिर गया, फ्रिक्शन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कमजोर है इसमें, ठीक है। लेकिन कॉपी के अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, तो कॉपी के अंदर वो पूरी कॉपी मूव कर जाती है, या बहुत तेज भागता है अगर कोई कॉपी लेके, तो चिपकी रहती है, स्लो करेगा तो कॉपी गिरती गिरती नीचे हुई, जैसे मेरी स्पीड स्लो थी, वो सेल नीचे गिर गया। कौन गिरने से रोकता है, फ्रिक्शन, दीवार की फ्रिक्शन, और तो कोई तरीका है ही नहीं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो गिरना ही गिरना है, कौन बचाएगा, कोई भी नहीं। तो ये बॉडी कहां गिरने की कोशिश करेगी, नीचे, इसको कौन नीचे गिरने से रोकेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कहां एक्ट करेगी, ऊपर, क्योंकि बॉडी नीचे गिरने की टेंडेंसी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर है, ऊपर, राइट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर, तो ये एफ ऊपर। अब ये फ्रिक्शन किसने लगाई, ट्रॉली ने ब्लॉक पे लगाई, तो नो डाउट उल्टी फोर्स कहां लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नीचे, वो अलग बात है कि मेरे को इस फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रॉली तो चलती, ट्रॉली तो ऐसी चल रही है या खड़ी है, गिरना तो ब्लॉक ने है, तो हम यहां पर फोर्सेस किसके लिए ड्रॉ करेंगे, ब्लॉक के लिए, हालांकि यहां पर फोर्स एक्ट करती है, रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दी। तो अगर आप चाहते हो ये नीचे ना गिरे, तो इतना तो समझते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को
ग्रेटर देन इक्वल टू वेट होना पड़ेगा, अगर ये 15G के इक्वल होगी फ्रिक्शन तब भी बच जाएगा नीचे गिरने से ब्लॉक, और अगर ज्यादा होगी फ्रिक्शन फिर तो बढ़िया ही हो गया, यानी कि इतनी फ्रिक्शन सफिशियंट है, इतनी फ्रिक्शन है, इतनी रफनेस है कि बॉडी नीचे नहीं गिर रही, मतलब वो वही बात होगी मैथ्स में अगर पास हो रहे तो मार्क्स 33 या 33 से ज्यादा, तो अगर नहीं गिरना चाहते तो फ्रिक्शन 15G के इक्वल या ज्यादा, क्लियर है यहां तक? तो ये आएगा यहां पे, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ये भी क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन ये है खड़े खड़े तो ये गिरेगा ही गिरेगा, जो मर्जी कर लो इसे गिरना ही है, तो आपने इस ट्रॉली को चलाने, बोलो कितनी मिनिमम एक्सेलरेशन से इस ट्रॉली को भगाऊं मैं, वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कितनी मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको आगे में भगाऊं ताकि ये नीचे ना गिरे, कितनी एक्सेलरेशन से ट्रॉली भागे, कम से कम आप तो कहोगे कि यार 1000 की एक्सेलरेशन से भगा दो, 2000 से 3000 से, मैक्सिमम की तो लिमिट ही नहीं है, मिनिमम कितनी, मिनिमम कितनी स्लो भगाऊं कि नीचे भी ना गिरे, अगर इससे स्लो कर दिया नीचे गिर जाएगा ब्लॉक, राइट? ये क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन ताकि ये किस पे रहे, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसमें रूल नंबर 1, कोई मुझे बताएगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या है इस ब्लॉक पे, मुझे चाहिए एक आपने बाकी, बोलो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मास इनटू, कौन बोला मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन बोला, बोला, और एमजी नहीं होगा यार, अभी कल तक तो एमजी चल रहा था, ऐसे होगा। अच्छा कितने लोग ये मानते हैं कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन 15G नहीं होगा, नहीं होगा, और कितने मानते हैं 15G हो सकता है, 15G तब होता है जब ग्राउंड यहां पर होता है, ऑब्जेक्ट यहां पर होता है, ग्राउंड के ऊपर अपना वेट नीचे लगाता है तो ग्राउंड इसके ऊपर रिएक्शन लगाता है, ये कहता है जी ग्राउंड तो नीचे रह गया, मैं तो हवा में लटक रहा हूं, ब्लॉक कहता है ग्राउंड तो नीचे है जी, मैं तो उसको टच भी नहीं किया तो ग्राउंड मेरे ऊपर रिएक्शन तो लगा ही नहीं सकता, तो फिर आपने सोचा तेरा ग्राउंड क्या है, कहता है मेरा ग्राउंड तो ये है, ये मेरा ग्राउंड है, तो क्योंकि जब ये ट्रॉली आगे भागेगी, ट्रॉली आगे भागेगी तो इस मास के ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स, कितनी 15 इंटू, मान लो ट्रॉली की एक्सेलरेशन क्या है ए, 15 है, फोर्स का पहला लेक्चर है, फोर्स का पहला लेक्चर है सूडो फोर्स, तो जिन्होंने नहीं की वो फोर्स सुनेंगे अपना आंसर मिलेगा, बाकी को समझ में आ रहा है? तो क्योंकि जब ट्रॉली भागेगी ए के साथ तो इसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी 15 है, अब जब ये 15 ऐसे इसको दबाएगा तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, नॉर्मल टू दी सरफेस, ये रहा, कितना लगेगा, N is equal to कितना 15A, right? तो इसमें mu times N की जगह 15A, greater than equal to 15G, मान लो mu question में given है आपको 0.1, तो 0.1 into 15 into A, greater than equal to 15 into कितना 10, तो ये कट गया, तो acceleration should be greater than equal to 10 divided by 0.1, ऐसे हो गया 0.,  मैं तो एग्जांपल चेंज किया, ठीक है यहां तक। अब एक बात बताओ, मेरे मार्क्स मैथ्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ग्रेटर देन तो ठीक है, कम से कम कितने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 या ग्रेटर देन 30, तो यानी कि मेरे मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स हैं 33। उसी तरीके से मेरी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म, तो बोलो मेरी मिनिमम एक्सेलरेशन क्या है, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करके दिस इज द आंसर, आंसर आ गया, समझ में आ गया आंसर कैसे आएगा, इक्वल टू कैसे कन्वर्ट हो जाता है,
इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कैसे कन्वर्ट करना है, मिनिमम वैल्यू लगा दी। अब वो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया। देखो बाकी सारी चीजें फोर्स की हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें आ गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। राइट, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर यही एग्जाम्पल किया हुआ है सेम, आप रिवाइज भी कर सकते हो घर जाके, वैल्यूज चेंज है, 0.5 है, 0.1 लिया था मैंने कुछ भी। एक और बढ़िया क्वेश्चन जो बहुत आता है, ये भी आता है और ये तो बहुत ही आता है, चेन वाली प्रॉब्लम। तो चेन वाली प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं और फ्रिक्शन कैसे लगाना है इसको एक बार ट्राई करते हैं। देखो चेन वाली प्रॉब्लम के अंदर सपोज करो आपके पास ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर चेन है। मेरा पहला क्वेश्चन, चेन का हल्का सा पोर्शन हवा में है, बाकी सब टेबल पे है और फ्रिक्शन है नहीं, बोलो चेन नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? यहां पर बहुत चेन ऊपर है, हल्की सी नीचे है और फ्रिक्शन यहां पर जीरो है, चेन नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? कितने लोग नहीं गिरेगी, कितने लोग गिरेगी? और ऑनलाइन गिरेगी कि नहीं गिरेगी? सर गिरनी चाहिए, सर गिरेगी। ऑनलाइन सर गिरेगी, सर गिरेगी। साउंड मेरे ये काम, एक सेकंड सर, इट विल फॉल। वेट, हां अब बोलो सर, गिरेगी गिरेगी सर, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि बचाने वाली कोई फोर्स है ही नहीं। कोई कहेगा क्यों नहीं है जी, ये देखो इसका वेट mg है, नॉर्मल रिएक्शन n है, तो n ने बचाया। अरे चेन तो ऐसे गिर रही है, मैंने ये थोड़ा पूछा चेन उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। ये चेन ऊपर तब जाती जब n बड़ा होता है mg छोटा, यहां तो n mg के इक्वल है, तो चेन ना ऊपर ना नीचे, हॉरिजॉन्टल में रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हल्का सा चेन का वेट इसे नीचे फोर्स लगाएगा और पूरी चेन नीचे गिरेगी, पहला पॉइंट। पर यहां पर फ्रिक्शन है, तो अगर फ्रिक्शन है तो फिर से एक बार, ये टेबल है और ये चेन है, चेन का कितना पोर्शन हवा में लटकाऊं? चेन का मास है m और चेन की लेंथ है l। बाद में मत कहना ऑब्जेक्टिव के अंदर तीन बार क्वेश्चन आएगा, इसे तीन बार सॉल्व कर दो चेन का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है, तीनों बार तीनों क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ये सुनने के बाद, ठीक? तो ये चेन है, हवा में लटक रही है और ये कुछ टेबल के ऊपर है। क्वेश्चन है बताओ मैं कितना मैक्सिमम इसे हवा में लटकाऊं, तो कितनी वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए कि चेन नीचे ना गिरे। और यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें म्यू है। आप एक काम करो, ये स्मूथ टेबल है, एक चेन लेके आओ, आप बहुत ज्यादा चेन को लटका नहीं पाओगे क्योंकि टेबल स्मूथ है, नीचे गिर जाएगी, हो सकता है 25% लटका पाओ। आप यही चीज अपने घर के बेड पे करो, चादर बिछी हुई है, क्या होगा? बहुत चेन हवा में लटकती दिखेगी, कुछ चेन चिपकी दिखेगी, नहीं गिरेगी नीचे। यानी कि किस पे फर्क पड़ता है? म्यू पे, रफनेस कितनी है। बहुत रफनेस है, हो सकता है मैक्सिमम चेन नीचे लटकती हुई दिखाई दे, थोड़ी सी ऊपर हो, सारी गेम रफनेस पे है, कोई डाउट इस पे? अगर रफनेस है ही नहीं फिर कोई चेन लटकेगी नहीं, सारी टेबल रखनी पड़ेगी, राइट? तो म्यू मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी है, तो वो कह रहा है म्यू के टर्म में कितना लटका सकता हूं मैक्सिमम चेन को, ताकि ये चेन किस पे पड़ी रहे एट रेस्ट। मेरा क्वेश्चन नंबर वन बताओ, इस चेन को कौन नीचे गिरेगा? इस लटकती हुई चेन का वेट, इस लटकती हुई चेन का मास बोलो पहले क्या होगा? मास क्या है? मास क्या है? चेन के मासेस कैसे निकलते हैं? एम बाय एल इंटू इंटू वाई। कैसे? अगर लेंथ चेन की एल है तो मास चेन का क्या है? एम, क्योंकि चेन का मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वन है तो एम डिवाइडेड बाय एल, और अगर वाई है तो एम डिवाइडेड बाय एल इंटू वाई। तो आज के बाद ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा चेन का क्या लेना है? मास पर यूनिट लेंथ, और वाई लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मास आ गया, और वेट निकालने के लिए इंटू जी। क्लियर है यहां तक? इतना वेट हवा में लटक रहा है चेन का। अच्छा फिर से आंसर दो, कितनी लेंथ चेन की टेबल के ऊपर है? एल माइनस वाई, तो कितना वेट इस टेबल पे पड़ी हुई चेन का बोलो कितना होगा? एम बाय एल इंटू कितना? एल, और वेट क्या होगा?
नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ये होगा, अगर आप चाहती है चेन रेस्ट पे रहे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चेन इधर स्लिप होगी, फ्रिक्शन पीछे है, तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लटकती हुई चेन का वेट, ये रहा। तो अगर फ्रिक्शन इसके इक्वल हुई तो भी नहीं गिरेगी, बड़ी हुई फिर तो बिल्कुल ही सेफ हो। क्लियर है यहां तक? और लास्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास वैल्यू आ गई म्यू टाइम। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम बाई एल, एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी। जी एम बाई एल, जी एम बाई एल कैंसल, म्यू इंटू एल माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? वाई। म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। म्यू इंटू एल ग्रेटर देन इक्वल टू वाई कॉमन म्यू प्लस वन। वाई इज लेस देन इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। राइट, मेरे मार्क्स मैथ्स में लेस देन इक्वल टू 33 है तो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? मार्क्स 33 से कम या इक्वल टू 33 है तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स क्या हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 33। तो मेरी वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस है तो मेरी वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू। तो अगर मैक्सिमम लगाना है तो इनइक्वालिटी हटा के इक्वल टू लगा के आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको?